नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अंतरिम रोक का आदेश बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और एमपी सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया। अपनी मर्जी से दुकानदार लिख सकते हैं नाम। प्रशासन की तरफ से कोई भी ऑर्डर, उस पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। नेम प्लेट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, अपनी मर्जी से हालांकि दुकानदार नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी जवाब दाखिल करने को कहा है कोर्ट ने। एक हफ्ते का समय दिया गया है, एक हफ्ते में समय के भीतर दोनों ही सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। आपको बता दें, इसी तरह का आदेश उत्तराखंड सरकार और एमपी सरकार ने भी दिया कावड़ रूट पर, जिसके बाद अब उनको एक हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा। नेम प्लेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अंतरिम रोक का आदेश बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और एमपी सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा है। एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है और नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, अपनी मर्जी से दुकानदार नाम लिख सकते हैं, ये कोर्ट ने एक बार फिर से स्पष्ट किया। तो नेम प्लेट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, अंतरिम रोक का आदेश बरकरार रखा गया है। अपनी मर्जी से चाहे तो दुकानदार नाम लिख सकते हैं, लेकिन प्रशासन उनको फोर्स नहीं कर सकता। सुशील पांडे से इस पर अपडेट लेते हैं। सुशील, कोर्ट में इस सुनवाई के लिए यूपी, उत्तराखंड और एमपी सरकार को आदेश दायर करना था और अब एक हफ्ते का वक्त दिया गया है एमपी और उत्तराखंड सरकार को, इसमें अपना जो है पक्ष रखना होगा। यूपी सरकार की तरफ से कुछ कहा गया क्या सुप्रीम कोर्ट में आज? जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले तो जो एक्स पार्टी ऑर्डर था, यानी कि एक तरफा जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसका विरोध जताया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि एक तरफा आदेश सुप्रीम कोर्ट को जारी नहीं करना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर नहीं लिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अभी उत्तर प्रदेश सरकार के जवाब को नहीं देखा है। वहीं उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दो हफ्ते का समय मांगा गया था जवाब दाखिल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का समय दोनों राज्यों को दिया है कि एक हफ्ते में दोनों राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके ये बताएं कि जो फिलहाल नेम प्लेट विवाद के मामले में तमाम आरोप लग रहे हैं, उनके पीछे की वजह क्या है। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि चूंकि उज्जैन म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से ऐसा आदेश जारी किया गया है, लेकिन कोई पोस्ट नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि शिव भक्तों के भोजन का हमें ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया, उस हलफनामे में फोटोग्राफ्स भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, जिनका नाम फिलहाल राधे श्याम भोजनालय के नाम से है, सरस्वती भोजनालय के नाम से है, लेकिन उसके जो मालिक हैं वो दूसरे समुदाय के हैं। लिहाजा भोजन के आधार पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, ये उदाहरण पेश करने की उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी फिलहाल कांवड़िए हैं, उनके भोजन के पसंद को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है और जिस तरह नेम प्लेट विवाद के मामले में यह आदेश जारी किया गया है, उसमें कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले जिनमें होटल का नाम कुछ और है और उसके मालिक कोई और हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में ये एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन किसी भी होटल के मालिक को फोर्स नहीं किया जा रहा है कि वो इस प्रकार का काम करें, लेकिन जो कांवड़िए हैं उनकी भी मर्यादा का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि वो साफ और शुद्ध भोजन अपनी यात्रा के दौरान करें। अगर इस प्रकार के होटल्स में इस प्रकार के मालिक होंगे तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने अंतरिम आदेश में कोई भी बदलाव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक हफ्ते के बाद दोबारा इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इस पूरे मामले में और क्या किया जा सकता है, लेकिन उत्तराखंड सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी इस पूरी दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि नेम प्लेट दुकानदार ना रखें, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना पसंद करने का अधिकार है, भोजन वो कहाँ करता है, लेकिन उसमें अगर नाम दुकानों पर होगा तो निश्चित रूप से इसमें कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। बहरहाल मामले की सुनवाई जो है वो फिलहाल एक हफ्ते के लिए टाल दी गई है। एक हफ्ते के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा, जब उत्तराखंड सरकार और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। सुशील, जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।
उधर शामली जिले से हर रोज हजारों की संख्या में कांवरिये निकल रहे हैं। भोले के भक्त शामली से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंचेंगे और आशंका है कि इस बार करीब 10 लाख कांवरिये गंगा जल लेकर शामली से गुजरेंगे, जिसको लेकर शामली प्रशासन और पुलिस प्रशासन ग्राउंड जीरो पर कांवड़ यात्रा का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शामली पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स है। सीसीटीवी की निगरानी में शामली जनपद से कांवड़ यात्रा गुजर रही है और इस यात्रा के मद्देनजर डीआईजी सहारनपुर पहुंचे और अधिकारियों के साथ कांवड़ मार्ग का भ्रमण किया। डीआईजी सहारनपुर ने कांवड़ यात्रा को सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए डीएम और एसपी को निर्देश दिया। के संबंध में प्रशासन और पुलिस द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाधिकारी और एसपी शामली दोनों लोग लगातार भ्रमण पे हैं। जो भी कांवड़ के शिविर हैं उसकी पारंपरिक तौर पर जो भी लगते हैं उसकी नियमानुसार अनुमति प्रदान की गई है। सभी लोग कांवड़ के शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। आप लोग आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, एसपी शामली भी हैं सर, डीएम शामली भी हैं सर, तो दंगाइयों को किस तरह के सर जो है आपकी तरफ से निर्देश है सर कि कोई लोग जो है बवाली टाइप के जो लोग होते हैं सर उनको क्या कहेंगे? इसमें पूर्व में ही सारे ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है और जिला स्तर पे भी कार्रवाई कई दौरों की मीटिंग जिलाधिकारी और एसपी द्वारा की गई है और लोगों से वार्ता की गई, कांवड़ शिविरों में वार्ता की गई। केंद्र बनाए गए हैं, अन्य जो है स्थल ऐसे बनाए गए हैं जहां कांवड़िया विश्राम कर सके, खाने पीने की सर्व व्यवस्था हो, तो सर उसको लेकर के सर क्या किया? जैसा कि आपने बताया बीच बीच में कांवड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक टाइप के काउंटर बनाए गए हैं, खोया पाया काउंटर भी हैं, पुलिस की चौकियां भी हैं, मेडिकल विभाग के भी शिविर हैं और इसके अलावा कई जगह पे लोकल संस्थाओं द्वारा, हॉस्पिटल्स द्वारा और निजी व्यक्तियों द्वारा भी लोगों की सुविधा के लिए शिविर लगाए गए हैं। तो अधिकारियों ने भी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त है, कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना होने पाए, इसे लेकर आला अधिकारी खुद भी ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं।